उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आधा सैकड़ा से अधिक महिलाओं सहित लोगों ने राशन की दुकान के आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राशन दुकान का आवंटन करने के लिए गुप्त मतदान कराते दोबारा से आवंटन प्रक्रिया कराए जाने की मांग की है। सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के छोटा कछार और बड़ा कछार गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके गांव का रहने वाला रामफूल निषाद प्रभावशाली नेता है, जिसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य और मां ग्राम प्रधान है। इसलिए प्रशासन ने इनके इशारे पर कार्यवाही करते हुए बसपा नेता रामफूल निषाद के रिश्तेदार प्रेम कुमार के नाम पर राशन दुकान आवंटित कर दी है। प्रधान जो है निरंकुश हो चुका है पूरी तरह। अपने चहेतों को वो कोटा दिलवाने के लिए कई बार इस तरह की प्रक्रियाएं करा चुका। अब देखिए, हाथ उठा करके कहीं चयन नहीं होता, आपसी बुराई बढ़ती है, आपसी विद्वेष गांव में कोई नहीं पालना चाहता आपस में। गुप्त मतदान के द्वारा जो भी चुनाव प्रक्रिया हो वो हमें पूरी तरह मान्य होगी। और हाथ उठा करके या जन संप्रदाय की गिनती करा करके कहीं भी इस तरह की चुनाव प्रक्रिया मतलब मांग करने के कोटा ये निरस्त किया जाए। 27/12/2022 को चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें शासनादेश का पालन नहीं किया गया, क्योंकि शासनादेश में खुले शब्दों में दिए हैं कि 2015 में जो प्रधान पद के में लागू आरक्षण वही हिसाब से ग्राम सभा में दुकान का चयन किया जाए। यदि अगर कोई रिक्त दुकान हो रही है तो उसमें 2015 के शासन ग्राम प्रधान के पद के शासनादेश के हिसाब से होना चाहिए, जो हमारे ग्राम सभा में 2015 में समान वर्ग की महिला के लिए आरक्षित थी।